जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। दशहरा पर तोहफा पेंशन में बढ़ोतरी, एक साथ बुजुर्गों के खाते में आएगी 3,000 रुपये, यानी कि पेंशन में 250 की फिर से कर दिया बढ़ोतरी। तो दोस्तों ये आप सभी लोगों को खुशखबरी मिलेगी अक्टूबर महीने से, यानी कि दशहरा के बाद। तो दोस्तों अभी अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला सीएम खट्टर ने आपस में निर्णय लिया है पेंशन में 250 की फिर से बढ़ोतरी का। वैसे तो बढ़ोतरी का समय अप्रैल में होता है, लेकिन इन्होंने अप्रैल से पहले दशहरा में ही बड़ा दे दिया तोहफा, जिससे सभी बुजुर्गों को दशहरा में सीधा 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी स्वाभाविक प्रत्याशी के वीडियो वायरल हो रहा है। और वहीं आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बुढ़ापा पेंशन, लाडली निशक्ति सम्मान निधि, विधवा पेंशन व निराश्रित संबंधी पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तार से दी जानकारी और 250 की कर दिया बढ़ोतरी। दशहरा से सभी को मिलेंगे पेंशन में बढ़ोतरी, एक साथ 3,000 रुपये सभी के खाते में आएंगे। समाज कल्याण विभाग से नया लेटर जारी, सभी के खाते में 10 से 25 तारीख तक हर हालत में दशहरा के शुभ अवसर पर आ जाएगी बुढ़ापा पेंशन।